हावड़ी मोदी मेगा शो के कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, लेकिन इस शो का क्रेज न केवल भारत के लिए है बल्कि दुनिया की नजर इस शो पर टिकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा इसी शो को लेकर की जा रही है। कमाल की बात यह है कि पाक टेलीविजन चैनल्स पर मोदी हाउडी का ऐसा खुमार छा गया है कि उन्होंने इमरान खान की यात्रा को हाशिए पर धकेल दिया है। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के बाद किसी की ज्यादा चर्चा है तो वह मोदी हाउडी मेगा शो है। पाकिस्तान की शो की तरफ आकर्षित होने की वजह खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसके मंच को साझा करना है। पाकिस्तान इस चिंता में सिर खपा रहा है कि ट्रंप को इस मेगा शो में आने की क्या जरूरत पड़ी थी। क्या भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों को साधने के लिए ट्रंप इस मंच को साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक सवाल जो इस वक्त जोर शोर से उठा है वह यह कि दुनिया में अमेरिका और भारत की दोस्ती क्या अब तक की सबसे बड़ी घटना है। इस तरह के सवाल केवल पाकिस्तान के लिए अकारण नहीं है। लोग तो यही कहते हैं कि वर्ष 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस चुनाव में एशियाई मूल के लोगों खासकर अमरीकी भारतीयों की बड़ी भूमिका होती है क्योंकि अमेरिका के 20% लोग एशियाई मुल्क के हैं। संख्या बल के कारण इनका अमेरिका की राजनीति में काफी दबदबा है। बड़ी बात यह है कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों का झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ होता है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। ट्रंप का प्रयास है कि इस चुनाव में मोदी की लोकप्रिय छवि को कैश किया जा सकता है। अगर ट्रंप मोदी के साथ इस मेगा शो के मंच को साझा करते हैं तो यह सहानुभूति रिपब्लिकन को मिल सकती है। इस तरह ट्रंप ने बहुत दूर की चाल चली है। उन्होंने डेमोक्रेट्स के वोट बैंक में सेंग लगाने की कोशिश की है। अगर ट्रंप अपने इस अभियान में सफल होते हैं तो यह रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी जीत मानी जाएगी। अगर बात केवल इतनी ही है तो इसका फायदा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को मिला है। जिस तरह 3 घंटे के लिए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने की उत्सुकता दिखाई है उससे दुनिया में भारत का नाम शिखर पर आया है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप द्वारा भारत के लिए किसी बड़े ऐलान की घोषणा से पाकिस्तान की सांसें फूल गई है। पर मामला यहां तक नहीं है, लोग अभी भी गफलत में है। ट्रंप और मोदी का यह मंच पाकिस्तान की हवा खराब करने के लिए नहीं है। इस देश की भारत और अमेरिका के सामने कोई अहमियत नहीं है। यह अलग बात है कि इसकी ख्वामखा फटी पड़ी है। अमेरिका और भारत एक मंच पर आकर असली चेतावनी चीन को ही दे रहे हैं, पर आश्चर्य की बात है दुनिया इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल रही है। दरअसल चीन की विस्तारवादी और आक्रामक नीति से सबसे ज्यादा खतरा भारत और अमेरिका को ही है। अमेरिका के सामने समस्या यह है कि वह चीन से हजारों मील दूर बैठकर निपट नहीं सकता है, इसलिए उसे एशिया में एक ऐसा सहयोगी चाहिए जो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करने का दम रखता है। इसके लिए भारत से बेहतर उसके लिए दूसरा देश नहीं है। जून 2017 में जब डोकलाम पर भारत और चीन आमने सामने आ गए थे तब जापान अमेरिका ने भारत को पूरा साथ दिया था, जिसके बाद चीन की रही सही हवा भी निकल गई थी। दक्षिणी चीन सागर में चीन की दादागिरी से केवल अमेरिका ही नहीं भारत भी परेशान है। वियतनाम में रूस के साथ ONGC तेल खनन का काम कर रही है जहां चीन व्यवधान डालने से बाज नहीं आ रहा है। इसे लेकर भारत और अमेरिका चिंतित हैं। इस मंच से चीन को एक बड़ा संदेश जा रहा है, पाकिस्तान की घबराहट तो बेवजह है। खास बात यह है कि चीन इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। उसे पता है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती अब उस मुकाम पर है जहां किसी एक के साथ भी छेड़खानी का मतलब उस पर दोहरी चोट होगा। इसका संकेत जापान, भारत और अमेरिका बीच बीच में हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास करके देते भी रहे हैं और अब तो इस तिकड़ी में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। चीन के लिए दिक्कत यह है कि अमेरिका लगातार उसकी अर्थव्यवस्था पर वार कर रहा है। हालांकि कल ही अमेरिका ने चीन के 400 से ज्यादा उत्पादों को टैक्स में राहत दी है। पर आश्चर्य की बात यह है कि जिन चीनी प्रोडक्ट को अमेरिका ने राहत दी उनकी बिक्री अमेरिका में नाम मात्र की है। यह वे प्रोडक्ट हैं जिन्हें अमेरिकी बामुश्किल ही खरीदता है। जबकि दूसरी तरफ भारत के साथ ट्रेड को लेकर विवाद होने के बावजूद अमेरिका के साथ उसके संबंध बेहद मजबूत हो रहे हैं।
कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि चीन की जीडीपी जिस प्रकार 6.2% पर आई है वह सब अमेरिका और भारत की मिलीभगत से हुआ है। अमेरिका का यह मंसूबा अब किसी से छिपा नहीं है कि वह भारत को चीन की छाती पर खड़ा करना चाहता है और इसलिए मोदी हावड़ी के मेगा शो से चीन को एक और संदेश डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलकर दे रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।